मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज टीना सिंह। वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज होल द चैप्टर इन दिस वीडियो। दिस इज माई लास्ट वीडियो फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर टू, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सो लेट्स रिवाइज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकाउंट, उसके इनकम सोर्सेज, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ, जिससे अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी आपका इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, उसका मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के मार्केट में या पूरी होल इकोनॉमी में काम करती रहती हैं, जिनका अर्निंग सोर्सेज फंड बेस अकाउंटिंग होता है, जिनके पास अपने मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, परचेजिंग जैसी कोई भी एक्टिविटीज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन एनरोल नहीं रहती। इन इनकम सोर्सेज इनका जो है वो हमारा फंड बेस है, जैसे स्पेशल डोनेशन, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, डोनेशंस, स्पेशल फंड, जनरल फंड, स्पेशल डोनेशन, जनरल डोनेशन, लेगेसी, हॉनोरेरियम, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इस तरह से ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि अपने फंड को रेज करती हैं और उस फंडिंग से अपने अकाउंट को या फिर अपनी फर्म को ग्रो करती रहती है और लगातार मार्केट के अंदर बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के एज अ वेलफेयर के लिए ये मार्केट हमेशा काम करती रहती है। अब यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक रूल इनको फॉलो करना होता है कि अगर सपोज ओपनिंग बैलेंस पर इनको कैपिटल फंड या कैपिटल जो इनके पास पैसा है वो लास्ट एंडिंग ईयर पर कुछ अमाउंट रिमेन हो जाती है, तो उस अमाउंट को कोई भी फर्म किसी भी यहाँ पर जो कमेटी होती है या जो मेंबर डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में वो अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। उस पैसे को फर्म को रोक करके बचा करके रखना पड़ता है और वही उसका क्लोजिंग अकाउंट उसके लिए नेक्स्ट ओपनिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर फर्म के पास कभी कुछ पैसा रिमेन हो जाता है तो वो पैसा किसी भी पर्टिकुलर पर्सनल किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उस पैसे को वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग अकाउंट में कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और उस पैसे से अपने फिर से एक्सपेंडिचर जो है उनको माइनस डिडक्शन करना फर्म शुरू कर देती है। तो यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फर्म के अंदर, जो मार्केट के अंदर लगातार बिना किसी मोटिव के काम करती हैं और उनका एक ही मोटिव है, वो है सोशल वेलफेयर, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज में कैसे लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें और किस तरह से हम उनको इनकरेज कर सके अपनी फैसिलिटीज़ के थ्रू। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, सो आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं कि वो वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी के लिए काम करती है स्पेसिफिक। अब इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो दो तरह से प्रोवाइड होती है, फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या फिर पब्लिक के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल फिर से समझाना चाहूँगी कि जैसे सपोज हम सभी टाटा स्काई या कोई भी इस तरह का एंटरटेनमेंट जो चैनल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर थ्री वर्ड आप लोगों ने हमेशा सुने होंगे, सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर और सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है, सब्सक्रिप्शन का मतलब एनरोलमेंट, कि हमने किसी पर्टिकुलर टाटा या फिर कोई दूसरा एक चैनल है, हम इनके चैनल्स को, एंटरटेनमेंट चैनल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर सब्सक्राइबर आप हैं क्योंकि आप कस्टमर हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब है रजिस्ट्रेशन, अपने आप को एनरोलमेंट करना और अपने नाम पर किसी चीज़ को रिचार्ज कराना। तो आपका जो रिचार्ज है वो आप जब चाहे आप अपने चैनल्स को रिचार्ज कर दें। सब्सक्राइबर का मतलब है कस्टमर, सब्सक्रिप्शन का मतलब है रिचार्ज या एनरोलमेंट, और आपका सब्सक्राइबर सो आई विल एक्सप्लेन अ एग्जाम्पल। टाटा, इट इज़ अ चैनल, इट हैज़ वर्क इन थ्री वे।
सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर सब्सक्राइब. सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन या फिर अपने आप को एनरोल करना. सब्सक्राइबर मतलब कस्टमर, सब्सक्राइब मतलब रिचार्ज. कि जब हम जैसे हमने टाटा से जो टाटा स्काई है उससे हमने चैनल्स यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर इसके पास फैसिलिटी है सपोज 200 रुपीज़ पर मंथ भी है, 300 रुपीज़ पर मंथ का भी इसके पास रिचार्ज है और 500. तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि 200 में कुछ लिमिटेड 3 या 4 चैनल्स हैं, 300 में भी आपके पास मैक्सिमम 10 चैनल्स हैं सपोज, और 500 में आपके पास एक लॉट्स ऑफ चैनल्स की वैरायटी है जो आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी यूज़ कर सकते हो. तो इस तरह से टाटा ने अपने आप को एक 3 कूपन में या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है अपने चैनल्स को. तो जो चैनल्स आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. अब इसने कहा सब्सक्रिप्शन कि सबसे पहले आपको इन चैनल्स को लेने के लिए सब्सक्रिप्शन कराना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. इसके बाद आप जब उस रजिस्ट्रेशन को करा लेंगे तो आप वहाँ पर सब्सक्राइबर बन जाएंगे जो हम हैं कस्टमर. सब्सक्राइब अब यहाँ पर ही आपसे पूछेगा कि आपने कितने का रिचार्ज किया. तो आपने 200 का अगर रिचार्ज किया तो 200 में सपोज इसके पास 5 चैनल्स है तो ये 5 चैनल्स की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा. अब यहाँ पर अगर हम ये हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ या फिर ये जो फैसिलिटी एनपीओ सपोज किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर है तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो जाएगी. स्पेसिफिक ग्रुप क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपने आप को एनरोलमेंट कराएगा, टाटा स्काई के चैनल खरीदना चाहेगा या यूज़ करना चाहेगा, केवल ये फैसिलिटी उन लोगों को ही प्रोवाइड की जाएगी. अब अगर यहाँ पर डीडी चैनल की बात करें या फिर नेशनल चैनल की बात करें तो इसको कोई भी देख सकता है जो है जनरल. यहाँ पर जो ये फैसिलिटी एक जो दूरदर्शन डिपार्टमेंट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंटरटेनमेंट, तो वो हर आदमी के लिए प्रोवाइड कर रहा है जिसके लिए उसको कुछ भी पेमेंट नहीं देनी होती. तो इसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो काम होता है वो दो तरह से फैसिलिटी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या फिर पब्लिक के लिए. दूसरा है दीज आर ऑर्गेनाइज एज चैरिटेबल ट्रस्ट. पूरी तरह से जो फॉर्म है वो चैरिटेबल डोनेशन या फिर फंड बेस पर ही काम करती हैं. दीज द फेयर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी. यहाँ पर भी मैनेज और कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट की जाती है जो मिलकर के पूरी फर्म को कंट्रोल करती है. मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर डोनेशन लेगेसीज ग्रांट इन एड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इसके बहुत सारे अदर इनकम सोर्सेज के हैं जिसके थ्रू ये अपनी इनकम को रेज करती है. फंड बेस्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड कैपिटल फंड और जनरल फंड. अगर आपको किसी ने पर्टिकुलर किसी रीजन के लिए पैसा दिया है तो वो आपके कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा और आपके ऊपर एक बैलेंस शीट ड्यू हो जाएगी. लेकिन जनरल फंड अगर आपको मिला है कि आप पैसा लीजिए और आप कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं बट वो सोशल वेलफेयर से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो वो हमारे कैपिटल फंड या किसी भी लायबिलिटी में यूज नहीं होगा, वो हमारी इनकम बन जाएगी. तो इस तरह से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ये थी. इसके बाद हमने पढ़ा कि कितने अकाउंट्स इसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमारा कैश बेसिस अकाउंट है जो हम सेम कैश बुक की तरह प्रिपेयर करते हैं. हमारे डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट आती हैं और क्रेडिट साइड में हम सारी पेमेंट्स को यूज़ करते हैं. इसका फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है. इसके बाद है हमारा साइलेंट फीचर्स. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के सेम वही है कि इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक आइडेंटिकल विद डैट ऑफ सिंपल कैश बुक. कैश बुक की तरह काम कर रहा है. एक्यूरल बेसिस है, रियल अकाउंट है. इसके बाद हम रिसिप्ट को डेबिट में और पेमेंट को क्रेडिट साइड में यूज़ करेंगे. रिसिप्ट में हमेशा हमें कैश इन हैंड या कैश एट बैंक की कुछ ओपनिंग अमाउंट मिलेगी और सेम वैसे ही पेमेंट पर भी लास्ट एंडिंग टाइम पर भी हमें कुछ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की अमाउंट जो है वो हमारे पास रिमेन हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद है हमारा कंसेप्ट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ अकाउंटिंग ईयर इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस. कि जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस को प्रिपेयर किया है सेम वैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर को हम प्रिपेयर करते हैं. एक्यूरल बेसिस है. केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हमारा नॉमिनल अकाउंट है. इंक्लूड ओनली रेवेन्यू. हम यहाँ पर केवल रेवेन्यू नेचर की अमाउंट को ही ट्रांसफर करते हैं. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सर्व द सेम प्रॉफिट लॉस अकाउंट.
रिवेन्यू आइटम रिलेटिंग टू करंट ईयर, जितनी भी हमारी इनकम्स हैं वो सब हमारे क्रेडिट साइड में आएंगी, और जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो सब हमारे डेबिट साइड में आएंगे। इसके बाद हमारे पास है बैलेंस शीट। डिफरेंस दोनों का हमारे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि क्या डिफरेंस है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में और हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंस शीट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट हम यूज़ करते हैं टू शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजिशन क्या चल रही है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट या फिर हम अपने ट्रेड बेस्ड बिजनेस में या किसी भी बिजनेस फॉर्म में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, सेम यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेटिंग भी सेम वही रहेगी। इसके बाद है तो इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन हमने कैसे कैलकुलेट किया, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए हैं। टू अकाउंट्स हम वहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ पर एक अकाउंट में हम ड्यूरिंग द ईयर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है उसको चेक करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट वो है जहाँ पर हम बैलेंस हमारे पास रिसिप्ट या पेमेंट अकाउंट में या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की बैलेंसिंग अमाउंट क्या है इसको चेक करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो हमने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके दिए हैं, साथ ही साथ आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सो जितना भी इसके अलावा होमवर्क में पीडीएफ मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड की है जिसमें अभी पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जांपल्स, वो मैंने आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड किए हैं। तो उन लोगों को वो सारे जो हमारे नोट्स हैं उन सारे नोट्स को आप अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से रिकॉर्ड रखना और उनको होमवर्क उनको रिटर्न करते रहना। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी अपनी लिख करके रखिएगा, याद रखिएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद हम उसको लास्ट में जब हमारा स्कूल ओपन हो जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से एग्जांपल को पढ़िए। एग्जांपल जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है वो अपनी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स को पढ़ करके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास सपोज़ एनसीईआरटी बुक नहीं है उनके लिए भी मैंने एग्जांपल इसीलिए पीडीएफ में आप लोगों को एज अ होमवर्क में दिखाए हैं जिसे आप अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो इसलिए सब बच्चे अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और काम को अच्छे से करें। टेक केयर एंड गुड बाय।